धनुष से कतना लड़का में तोड़ दिया। हे भाइयों, अनेक राजागण मेरे प्रण को सुनकर आए हैं, यहाँ तक कि देवता और दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण कर आए हैं। धनुष टूटना तो दूर, कोई तिल भर हिला भी नहीं सका। अगर कुमारी सीता कुमारी रहे तो मैं क्या करूं? मानो विधाता ने सीता का शादी लिखा ही नहीं है। इसलिए आप लोग अपने अपने इच्छा को त्याग कर अपने अपने घर को जाइए। यदि मैं जानता कि आप पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो ऐसा प्रण करके मैं अपनी हंसी नहीं उड़ाता। रघुवंशियों में से कोई भी जिस समाज में बैठा रहता है उस समाज में कोई भी ऐसा अनुचित वाणी नहीं कहता जैसा कि राजा जनक जी ने रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को विराजमान देखकर कही है। हे सूर्यवंश रूपी कमल वन को खिलाने के लिए सूर्य के समान प्रभु सुनिए। अपने स्वभाव से कहता हूँ, अभिमान से नहीं। यदि यार की आज्ञा पाऊं तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठालूं और कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं। मेरे पर्वत को मुल्ली की जड़ की भांति उखाड़ कर तोड़ डालूं। हे भगवान, आपके प्रताप से यह प्रेमी धनुष क्या वस्तु है। हे नाथ, यदि आप आज्ञा दे तो कमल की छड़ी के समान इस धनुष को उठाऊं और 100 योजन तक दौड़ाऊं। हे नाथ, फूल की छड़ी के समान इस धनुष को तोड़ सकता हूं।
यदि ऐसा न करूं तो आपके चरण कमलों की सौगंध फिर हाथ में धनुष बार धारण न करूं। लक्ष्मण क्रोध को शांत करो, आओ बैठो। हे राम, शिव धनुष को तोड़ डालो और राजा जनक जी का दुख दूर करो। जो बालक है ऐसा हट अच्छा नहीं। फिर भी यह दाव छूटना आसान नहीं होगा। कहां आया अगस्त मुनि और कहां अपार समुद्र, उसको भी लांग गया। सूर्यमंडल देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके उदय होने से सारा संसार का अंधकार दूर हो जाता है। गेहूं को तो तोड़ दिए, हमारियों का समाही मानी जाए। सुनो राजन, मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु जिसके आवाहन से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों भस्म हो जाते हैं। जैसे मत वाले हाथी को एक छोटा सा अंश अपने भस्म कर लेता है। हे वरदायक गणेश, आज तक किसी हेतु तुम्हारी सेवा की है, धनुष की कार्रवाई थोड़ी करे। धरती को धैर्य धारण करके पकड़े रहो ताकि डोलने न पावे, क्योंकि इस समय श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। अतः मेरी आज्ञा सुनकर सभी लोग सावधान हो